ओके हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं आज का हमारा सेशन जो है हाउ टू रिमूव बैड लक। अब अगर आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कुछ पाने की, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें आपके पास आसानी से नहीं आती या फिर बिल्कुल नहीं आती या फिर जो आपने प्लान किया है उसके विरुद्ध होता है, तो ये सेशन ज़रूर देखिए। ये सेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको सारा कुछ इसमें डालकर दूं। अब मैं एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ऐसा कुछ करके दूं, उससे तो बेटर है कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक में ही दे दूं। तो या इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन यस, अगर आपके लिए ये एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है, अगर आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद रूप होगा। सो या बट ऑब्वियस परमानेंटली, बिकॉज लोग जाते हैं दूसरों के पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, और प्रॉब्लम शायद कुछ दिनों के लिए ठीक होता है, कुछ महीनों के लिए, लेकिन हो सकता है ठीक बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन यस, थोड़े टाइम तक आप होपफुली राह देखते रहते हैं कि शायद ठीक हो जाए प्रॉब्लम। एंड उसके बाद है, आज हम जो जानने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने वाले हैं। सो सबसे पहले है, वॉट डू यू हैव, What have you done until now to get rid of problems? अब एक important बात ध्यान में रखिए कि इसमें जो भी हम discuss करने वाले हैं, इसमें से कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपने try की है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपने try नहीं की है। ये session ख़त्म होने के बाद आप जो आपने नहीं try किया है वो भी आप कर सकते हैं, जो आपने try किया है वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ काम नहीं करती। ये सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रैक्टिसेस दुनिया के करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं वो सब, और उनको फ़ायदा मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं रही है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो गोल सेटिंग, अगर आपने गोल सेटिंग ट्राई किया है, द सीक्रेट करके मूवी था कि जिसके ऊपर से ये गोल सेटिंग, विजुलाइजेशन, एफर्मेशंस, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पर वो हमें पता चला और इतने बड़े लेवल पर वो हमें बताया गया कि वो चीज़ बहुत माइंड ब्लोइंगली इफ़ेक्ट करती है और इफ़ेक्ट देती है लाइफ में। तो यही आशा रखते हुए कि उनकी लाइफ में भी वही होगा, काफ़ी लोगों ने वो चीज़ अप्लाई की, बहुत सारे लोगों को उनको रिजल्ट्स भी मिले, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स नहीं भी मिले। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि जो कर रहे थे उसका विरुद्ध रिजल्ट मिला, तो डर के उन्होंने वो करना छोड़ दिया, राइट। फिर है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है, आई वुड लाइक टू से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फिर है हीलिंग, किसी न किसी तरह से हीलिंग अगर आपने किसी से लिया है या फिर हीलिंग के मेथड सीखे हैं ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, वो भी हो सकता है। फिर रेकी, मेरे जो वीडियोस होते हैं उसके ऊपर बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने रेकी सीखा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, आपको क्या लगता है, मुझे रेकी की ये मेथड यूज़ करनी चाहिए या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बॉटम लाइन इज, रेकी भी जो है वो भी बहुत अच्छी प्रणाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो भी इन इफ़ेक्टिव लगी है। उसके बाद है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन जैसे मैंने कहा, द सीक्रेट मूवी में इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी ट्राई किया था। जब मैंने शुरुआत की थी गोल सेटिंग करने की, विजुलाइजेशन करने की, तो ये जो सारी मेथड्स होती थी वो मेरे लिए उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। लेकिन यार, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैं भी कोशिश करती थी कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम करें, वॉट एवर इट इज़। अब एक बात आपको बता दूँ, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, अगर आपने ये सारी मेथड्स ट्राई की है लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं मिला है, विच डज़ नॉट मीन कि वो चीज़ बिल्कुल काउंट नहीं हुई है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस किया है, समवेयर और दी अदर इट हैज़ बीन काउंटेड, भले उसका रिजल्ट, वो जो काउंट हुआ है वो आपको भले दिखा नहीं है अब तक। सो उसके बाद है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस भी एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसके लिए कहा जाता है कि माइंड में जो ब्लॉक्स होते हैं, अब यूजुअली ये जो सारी मेथड्स है, इंसान ऐसा यूजुअली रिसर्च के माध्यम से ऐसा पता चला है कि जो भी आपके थॉट्स हैं
आपके जो भी विचार है, आपके जो भी इमोशनल पैटर्न्स है, कहीं ना कहीं वो आपको रोकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये जो सारी मेथड्स हैं कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं आपके मेंटल ब्लॉक्स को हटाने के लिए, आपके इमोशनल ब्लॉक्स को हटाने के लिए। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसमें से एक है। अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा है जो आप पिछले जन्म से कैरी करके आ रहे हैं इस जन्म में, तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अच्छा जरिया है वो इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए। इसके सिवा और कोई भी चीज़, कोई भी अगड़म बगड़म आपने ट्राई किया है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कि ये सारी चीज़ें आपने ट्राई की हुई हो सकती है, लेकिन मे भी उसका थोड़ा सा रिजल्ट मिला या फिर बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला। यस, अब देखते हैं वेयरिंग क्रिस्टल्स। क्या आपने क्रिस्टल पहनने की कोशिश की है, क्रिस्टल्स पहनकर प्रॉब्लम्स को दूर करने की? उसके बाद है स्पिरिचुअल रिचुअल्स, पूजा पाठ करना। पूजा पाठ तो हम देखेंगे यहाँ पर ही इस सेशन में आता है, लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स करना कि जिससे आपके कुछ बैड जो कर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो स्पेल होते हैं कि जो कोई दूसरे इंसान ने डाला हो वो रिलीज होता है, पास्ट लाइफ से स्पेल्स रिलीज होते हैं, या फिर किसी तरह की पूजा। किसी ने आपको बताया हो कि भाई ये ग्रह दशा चल रही है, वो ग्रह दशा चल रही है, आपको उसकी उसके शमन के लिए आपको ये पूजा करना ज़रूरी है, तो हो सकता है आपने वो पूजा भी की हो सकती है। फिर कुछ हवन हो सकते हैं, दोष निवारण के लिए कुछ हो सकता है। अब दोष निवारण की बात आई है तो आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा लोग आपको कहते हैं कि दोष निवारण करने के लिए इस मंत्र का, इस ग्रह का जो गुरु है, इस ग्रह का जो अधिपति है, उसका कोई मंत्र, उसका चैंट करो, उसका जाप करो, इतनी बार, इतने लाखों बार करो, और फिर उसकी जो उसका जो नंग होता है, उसका जो स्टोन होता है, वो स्टोन के ऊपर उसकी पूजा करो, फिर उसे पहनो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लाएगा। लेट मी ऐड, जो लाखों बार जो जप होते हैं इंसान के लिए कितना इजी है, अपने आप के लिए लाखों बार जप करना, तो यू कैन इमेजिन दूसरा इंसान आपके पास पैसे लेकर अगर वो जाप करता है, लेट अस से कि उन्होंने लाखों बार जाप कर भी दिया, फिर भी उनको थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, वो जाप करने से फल मिलता है इंसान को उसकी, मतलब या कुछ ना कुछ क्लेंजिंग इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, लेकिन जो जाप आपने किसी और से करवाया है उसमें आपको 100% उस जाप का इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो थोड़ा पार्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब उसका इंटेंशन भले उस जाप का फल पाने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर भी उसको मिलेगा ही मिलेगा, यूनिवर्स का नियम है। ओके, सो ये हो सकते हैं रेमेडीज और नुस्खे जो आपने ट्राई किए हो सकते हैं। और ये सब कुछ ट्राई करते हुए भी अगर फिर भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको सोच में, विचार में आ सकता है कि अरे यार ऐसा तो क्या हम करें कि जिससे परमानेंटली हमें रिजल्ट्स मिले। बट सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ लाइक दैट ऑफ, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी के भी रिलेटेड हो सकता है। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस, सारा कुछ करने के बावजूद आप फिर भी जवाब ढूंढ रहे हैं। ग्रह दशा के लिए, कोई दोष निवारण के लिए आपने पूजा भी करवाई है, फिर भी आप जवाब ढूंढ रहे हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ पे इसी वीडियो में हमें पता चलेगा क्यों ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी आसानी से हमें रिजल्ट्स नहीं देती हैं। सो यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये जो सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरी प्रैक्टिसेस हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये रिजल्ट्स नहीं देती, ये रिजल्ट्स देती हैं। अगर सैकड़ों लोगों को इस टेक्निक्स से रिजल्ट मिला है तो मतलब कि ये टेक्निक्स काम करती है, लेकिन यस देर आर फ्यू पीपल के जिनको इस टेक्निक से रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला है, एंड यू हैव टू नो द रीज़न वाई, रीज़न जानिए, उसी के बाद आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बट देर आर सेवरल रीजन्स वाई दीज टेक्निक्स डोंट वर्क फॉर यू। रीज़न क्या है, तो रीज़न इस बच्चे को देखकर कुछ ना कुछ ख्याल आ रहा है, लेट मी गिव इट टू यू इजीली, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दीज थिंग्स कीप कमिंग बैक। आप जो है प्रॉब्लम को उसकी
सरफेस पर से ऊपर ऊपर से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कि ये जो जो आपका प्रॉब्लम है वो डीप सोलफुल लेवल पर है। और वो कैसे आप ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को पोंछोगे तो ठीक हो जाएगा, राइट? तो अगर आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ कलर लगा है या फिर कुछ ना कुछ मे बी डेफिशिएंसी है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपका चेहरे का रंग उतना अच्छा नहीं है, तो आईने को साफ करने से वो कैसे इम्प्रूव होगा, राइट? सो ये जो सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज देर इज समथिंग विद इन यू, आपके अंदर कुछ है कि जो प्रॉब्लम्स का रीज़न है। तो अब देखते हैं कि उसे सॉल्व कैसे करना है। अब व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्लीनिंग द प्रॉब्लम्स, राइट? कुछ न कुछ आपके अंदर है। अब यू नो, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं कि जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोकते हैं आगे बढ़ने से। अगर आपके अंदर वो ब्लॉकेज है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर फियर्स है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके आसपास भी ऐसे लोग मौजूद होने ही वाले हैं कि जो आपको स्टॉप करेंगे। अब अगर आपके अंदर तैयारी नहीं है लाइफ पार्टनर पाने के लिए, तो कैसे आपको वो इंसान मिल जाएगा कि जो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाकर ले जाएगा? बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी लाइफ में लाइफ पार्टनर क्यों नहीं है, मुझे लव लाइफ क्यों ऐसी मिली है, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा एक अनविलिंगनेस है, रेजिस्टेंस है, कि जो आपको रोकता है ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने से। हम जानेंगे कि वो चीज़ क्या है और कैसे होती है। तो द मेन रीज़न इज़ 25 साल की उम्र तक इंसान जो है, लेट्स से हम इस इंसान को बच्चा ही कहेंगे, 25 साल तक के इंसान को हम बच्चा, एज अ बच्चा बोल रहे हैं। अगर आप 25 साल से नीचे हैं, देन डोंट गेट ऑफेंडेड, आपके लिए बहुत अच्छे गुड न्यूज़ है कि 25 ईयर्स तक अगर आप जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप परसीव करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। तो NLP पाथवेज, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवेज, इंसान के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक एक्सपीरियंस यहाँ से हुआ, एक एक्सपीरियंस यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे नहीं होते, आप कैसे उन्हें लेते हैं वो आपको, आपके लिए साबित करेगा कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा था या बुरा। इट जस्ट डिपेंड्स, हम देखेंगे आगे, एग्जांपल्स देखेंगे इसके रिलेटेड। और 25 साल के बाद जो भी प्रोग्रामिंग आपके अंदर हुआ है वो परमानेंट रहता है, ऑलमोस्ट, आई से ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं कहा है, हाँ 100% परमानेंट रहता है, उसे भी बदला जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जो उनका जो प्रोग्रामिंग है उसे बदला जा सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट गेट अननोटिस्ड ऑफ दिस फैक्ट। वो ये चीज़ को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, दे विल जस्ट फील, दे विल जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ लाइफ तो ऐसे ही होती है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और उनकी भी लाइफ में होगी ही होगी, राइट? सो येस, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। इसके बाद ये जो है, ये जो न्यूरोलिंग्विस्टिक पाथवेज है वो आपके ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से पाथवेज बन जाते हैं। सपोज किसी इंसान का एक्सपीरियंस बचपन में अच्छा है, तो उसके न्यूरोलिंग्विस्टिक पाथवेज बहुत ही पॉजिटिव बने होंगे। अगर उसकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है, फिर भी वो आसानी से उसमें से उभर कर वापस पॉजिटिवली अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उस इंसान के लिए अपने आप को उस एक्सपीरियंस में से बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद फिर उसको भुला पाना उस एक्सपीरियंस को, और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना, दैट वुड बी लाइक लोहे के चने चबाने के बराबर। सो येस, दैट इज़ जस्ट डिफरेंस इन कि उस इंसान का प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है। सो अब ये जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ से आता है, वो पेरेंटिंग में से आता है। कुछ लोगों के लिए अच्छे पेरेंट्स होते हैं तो अच्छा पेरेंटिंग आता है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको खुद को अच्छा पेरेंटिंग नहीं मिला है, तो जिनको अच्छा पेरेंटिंग नहीं मिला है तो, और वो जो है वो अपने हिसाब से जो पेरेंटिंग मिला है उसमें से अच्छा अच्छा आपको बताएंगे।
Maybe that might be true, maybe that might not be true, but still वो उनका तरीका है पेरेंटिंग देने का. फिर experiences at schools, colleges and personal life. अब school में, colleges में, personal life में आपको कुछ experiences होंगे और not necessary कि वो experience अच्छे ही होंगे या experiences बुरे ही होंगे, लेकिन वो experience को आप किस तरह से लेते हो. अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है और वो बच्चा उसे बुरी तरह से परसीव करता है, ओ माई गॉड इसने मुझे ये बोल दिया, उसको उस बोल जो बोला है उसको उसका मीनिंग भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा गलत तरह से ले लेता है. सो या बट दैट माइट बी देयर एंड यस. उसके बाद है जो एग्जाम्पल्स हम बताने वाले थे, यहाँ पर हम जानने वाले थे, वो है कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो कैसे हालातों में पैदा होते हैं, कैसे माँ बाप के घर पैदा होते हैं, उनको किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं या फिर पता नहीं क्या दिया जाता है. तो ये दुनिया भर के मे भी हो सकता है जो बुरे गुण हैं उसी के साथ ये बड़े होते हैं. तो ये जो बच्चे हैं उनके लिए जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद वो गलत भी करेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बैड अकॉर्डिंग टू देम. ज़्यादातर लोग कंप्लेन्स करते हैं राइट, कि टेररिस्ट इतना बुरा कैसे हो सकता है. वो कुछ यहीं से आए हुए बच्चे हैं, यू नो बचपन में उनको कुछ बुरे काम सिखाए गए थे और उनको बताया गया था बेटा ऐसे ही होता है, और वो बच्चा बड़ा होकर वही सारी चीज़ें करता है. आफ्टर 25 years दैट किड, वो जो बच्चा है उसको लगेगा कि वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा है दैट इज़ अ गुड थिंग, और उसे बिल्कुल भी गिल्टी फीलिंग नहीं होगा वो सारी चीज़ें करने से. आप कहेंगे ऐसे केसेस में क्या उसे बुरे कर्म लगते हैं? यस डेफिनेटली लगते हैं, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है अपने खराब कर्मों से. लेकिन उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, तो फिर भी कर्म तो बुरा ही है, तो उसको उसका इफेक्ट ज़रूर मिलेगा. फिर एग्जाम्पल दूसरा, ऐसे बच्चे जो कुछ इस तरह से बड़े होते हैं कि उनको उसूलों के मुताबिक बड़ा किया जाता है, सच बोलना, लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, लोगों का रिस्पेक्ट करना, लोगों की केयर लेना, बड़ों का आदर करना, कुछ ऐसे गुणों के साथ जो बच्चे बड़े होते हैं. ये बच्चे यू नो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके ऊपर आई थिंक 25 years के बाद हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे आसपास हो, यू नो बिकॉज इनके ऊपर आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं. सो यस दैट इज़ द डिफरेंस. तो ये जो बच्चे हैं गुड मैनर्स वाले, जो अच्छे होते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे बच्चों को बड़ा किया गया है तो यू नो इनको फिर मजबूर भी किया जाए कुछ बुरा करने के लिए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे. वो पता नहीं कोई और स्टेट में चले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उनसे वो बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं होगी. अगर आपको इसी तरह से बड़ा किया गया है ये सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा, तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए वो एक ऐसा गुण, एक ऐसा लर्निंग कि जो आपको बचपन में दिया गया था, कि जो आपके लिए टोटली अनफॉरगेटेबल है, जो आपके लिए यू नो आपके लिए वो चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आप वो नहीं कर पाएंगे भले कोई आपको जितना भी फोर्स क्यों ना कर दे. तो मुझे भी याद है ऐसे बहुत सारे गुण जिन्हों यू नो जो मुझे भी सिखाए गए थे बचपन में. बच्चे तो बहुत ज़्यादा यू नो मासूम होते हैं, मासूमियत में गलत चीज़ भी कर देते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखाए बेटा ऐसा नहीं करना है. बिकॉज अगर आपका बच्चा किसी के घर पे जाकर कुछ उधम मचाता है और वहाँ पर आपके बच्चों को कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, अरे यार ये कहाँ आ गए, आपके बच्चे को वो वाइब मिलेगा? क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे को ऐसे नेगेटिव वाइब्स मिले, पॉजिटिव वाइब्स मिले, ऐसा उनको सिखाइए राइट. पेरेंटिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसे देखना ज़रूर देख लीजिए मेरे चैनल पर. उसके बाद है व्हाई डज दिस हैपन एंड हाउ डज दिस हैपन, तो ये क्यों होता है. इट इज़ टर्म्ड इन डिफरेंट वेज अक्रॉस डिफरेंट थियोरीज ऑफ साइंस. अब साइंस की जो थियोरी है दुनिया के अलग अलग भाग में, ज़रूरी था कि यही नॉलेज आए, यही चीज़ का इंसान को पता चले कि क्यों होता है, कैसे होता है, ताकि लोग अपना मार्ग बना सके आसानी से. सो अलग अलग तरह से उसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है, अलग अलग तरह से उसे समझाया गया है. आप कहेंगे कौन सा सही है? हर एक मेथड, हर एक साइंटिफिक तरीका जिससे वो चीज़ समझाई गई है वो सही है.
लेकिन आप कौन सा बिलीव करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, अगर आप नहीं मानते हैं फिर भी आपके ऊपर लागू पड़ता है, राइट? यस। तो क्रिटिकल फिल्टर और द सबकॉन्शियस माइंड। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं आपके जो स्क्रीन में, जो यहाँ पर आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो डायग्राम दिख रहा है, तो इंसान का जो माइंड होता है बचपन में डेवलप्ड नहीं होता है। कॉन्शियस डिफरेंट नहीं होता, सबकॉन्शियस डिफरेंट नहीं होता, सब एक ही होता है। लेकिन बच्चा जैसे बड़ा होता है तब धीरे धीरे वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस डेवलप होता है। उसके बीच का जो क्रिटिकल फिल्टर आप देख सकते हैं पिंक कलर की जो लाइन है, दैट इज क्रिटिकल फिल्टर। क्रिटिकल फिल्टर नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ अच्छी ही चीजें अपने आप के अंदर से पास होने देगा। अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस किसी बच्चे को हुआ है, लेकिन अगर बच्चे के आसपास का माहौल अगर उसको बताता है कि वो जो एक्सपीरियंस है दैट इज फाइन, इट इज टोटली ओके, तो बच्चा अलाव करेगा वैसा ही एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फ्यूचर में भी। और अगर आपके अंदर कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और आपके क्रिटिकल फिल्टर ने अलाव किया है, मतलब अनुमति दी है, तो भविष्य में ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंसेस आने की अनुमति मिलती रहेगी। तो जैसे मैंने कहा कि बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान का क्रिटिकल फिल्टर सही तरह से प्रोग्राम किया हुआ हो। कहीं ना कहीं यू नो हैक भी हो सकता है, कहीं ना कहीं स्पैम भी हो सकते हैं। सो उसके बाद है एमिग्डाला इन योर ब्रेन। आपके दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं, और ये जो ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में होमियोस्टेसिस रखने के लिए, होमियोस्टेसिस बनाए रखने के लिए। अब होमियोस्टेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, उसका पर्टिकुलर शब्द नहीं पता, लेकिन उसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। होमियोस्टेसिस मतलब कि आपकी लाइफ में आपने जो भी आपने आपकी आपकी लाइफ में देखा है, 0 से लेकर 25 साल की उम्र तक आपने जो भी देखा है, जो आपका एमिग्डाला है वो कहता है कि हाँ वो सारी चीजें बराबर है। अगर नेगेटिव हुआ है देन दैट इज फाइन, पॉजिटिव हुआ है देन दैट इज फाइन। लेकिन उसके बाद आफ्टर 25 years जो प्रोग्रामिंग है एमिग्डाला का, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट या उससे कुछ अलग मे भी हो सकता है बहुत पॉजिटिव, वो डालने की कोशिश करो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अमीर इंसान है ज्यादा अमीर होते जा रहा है। यू हैव टू मेक अ चॉइस टू बिकम रिच, यू हैव टू मेक अ चॉइस नॉट जस्ट टू बिकम रिच। यू नो इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, इंसान प्यार चाहता है, इंसान अच्छी सेहत चाहता है। सब कुछ मिलने के बाद अगर बहुत ज्यादा पैसा है देन दैट इज द परफेक्ट लाइफ दैट एनीबडी वुड वॉन्ट। तो होमियोस्टेसिस जो है वो क्या है, मतलब लाइफ की एक ऐसी स्थिति कि जहां पर आप जैसे भी है आप एक होमियोस्टेसिस का स्टेट है। अब किसी भी इंसान के लिए जो हमने बात की, अब अगर कोई इंसान है उसने बचपन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने पेरेंटिंग में उन्होंने देखा है कि दो लाइफ पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत झगड़ा कर रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए माइंड में रिलेशनशिप के लिए वही एक स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस बैठ जाएगा। मतलब वो बच्चा सोचेगा हाँ दैट इज फाइन। तो वो जो बच्चा है उसके लिए ज्यादा चांसेस है कि जो वो अपना लाइफ पार्टनर चुने तो वो वैसे ही झगड़े, वैसा ही जो उद्यम उत्पात जो मचे रहता है वैसा ही मचे रहता है उसके रिलेशनशिप में भी। क्यों? बिकॉज दैट इज अ स्टेट ऑफ हिज होमियोस्टेसिस। भले वो चाहता है कि वो झगड़े ना हो, अब यू नो 25 साल की उम्र के बाद वो बच्चा खुद नहीं चाहेगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो झगड़ा करे। बट यस, द स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस उसके माइंड में जो भरा है वो तो बताता है कि भाई ऐसा तो नहीं, होमियोस्टेसिस मतलब ये, तो वही चीज वो बच्चा अट्रैक्ट करेगा। शॉकिंग, राइट? किसी और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई पैसे वाला इंसान, किसी भी पैसे वाले इंसान को आप देख लीजिए, वो ज्यादा दिन तक, अगर उसको कुछ लॉस भी होता है तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा।
क्यों? बिकॉज अगर उसने बचपन से बहुत ज्यादा पैसे देखे हैं, बचपन से अगर उसने लग्जूरियस लाइफ देखी है, तो उस बच्चे के लिए आसान होगा वापस अपनी लाइफ में वही पैसा बनाए रखना, वापस अपनी लाइफ में उतना ही पैसा या उससे भी ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना। क्यों? बिकॉज दैट इज हिज स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, वो उसकी होम्योस्टेसिस की स्थिति है। तो वो उसका जो एमिग्डाला है वो बनाए रखने में मदद करेगा। Yeah, so that is how it works. How and why does all of this happen? तो ये सब कुछ क्यों होता है? तो कर्म होते हैं, इंसान के पिछले जन्म के कर्म होते हैं, अच्छे बुरे। लाइफ पर्पस करना होता है इंसान को, फुलफिल लर्निंग्स होते हैं, सोल्स पर्पस होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसकी वजह से कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं इंसान में, फिर इंसान के अंदर हो सकते हैं कार्मिक बैगेज, अच्छे कर्म चुकाने का बैगेज, अच्छे कर्म बुरे कर्म चुकाने का बैगेज। फिर सोल पाथ होता है कि जो उस बंदे को अपना कार्मिक बैगेज चुकाने के साथ साथ जिस पाथ पर चलना है वो हो गया उसका सोल पाथ। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल दोषा, अब आपका जो कार्मिक बैगेज है, सोल पाथ है, कार्मिक ब्लॉकेजेस है, उसके आधार पर आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, वो तैयार की जाती है। आप जन्म लेते हैं उससे पहले आपका जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर का पैटर्न है वो कुछ उस तरह से बनाया जाएगा कि आपको कार्मिक ब्लॉकेजेस, कार्मिक बैगेज और सोल पाथ अच्छी तरह से भुगतने दे। उस तरह से न्यूमरोलॉजिकली आप पूरे तैयार होकर आएंगे। पास्ट लाइफ में आपने जो खराब कर्म किए थे या अच्छे कर्म किए थे उसको आप कैसे चुकाए इस जन्म में, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी। सो उसके बाद क्या है, आपका एनर्जी ब्लॉकेज और एनर्जी का पैटर्न क्रिएट होगा। जन्म लेने से पहले आपका पूरा एनर्जेटिक इम्प्रिंट, ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है, एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट, जिसमें एनर्जी ब्लॉकेजेस, आपके जो अच्छाइयां हैं वो, फिर कोई और चीजें जो आपके लिए आपके सिस्टम में होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, पेरेंटिंग होता है। जो आपके एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस है, जो चैलेंजेस आपने चुने हैं, जो लर्निंग्स आपने चुने हैं आपकी लाइफ में होने चाहिए, उसके आधार पर आप पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट्स आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। भाई कंप्लेन मत करो, आप ही ने अट्रैक्ट किए हैं ऐसे पेरेंट्स, आप ही ने प्लान किया है कि ऐसे पेरेंट्स आपके लिए जरूरी है आपका कार्मिक बैगेज और सोल पाथ को पूरा करने के लिए। सो नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। ओके, फिर चाइल्डहुड का बैकग्राउंड, आपके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और आप इसे किस तरह से परसीव करते हैं वो भी डेवलप होता है आपका एनर्जी के ब्लॉकेजेस के हिसाब से। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस है तो वो बंदा यूजुअली उसके जो एक्सपीरियंसेस है उसे नेगेटिवली परसीव करेगा। कोई दूसरा बंदा है जिसे बहुत ज्यादा इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं मिले हैं, इतने ज्यादा चैलेंजेस उसको नहीं भोगने हैं उस जन्म में, और बहुत कम ब्लॉकेजेस लेकर आया है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ। फिर चाहे जो भी बाहर के लोग करते हैं उस बंदे के लिए सब अच्छा ही अच्छा है, ऑलमोस्ट ना मैक्सिमम चीजें अच्छी की अच्छी रहती है उसके लिए। हाउ टू परमानेंटली रिमूव दिस ब्लॉकेजेस, राइट? अब तक तो सारा तिगड़म हमने जान लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ जान लिया। तो अब ये सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, देखते हैं वो कैसे करना है। देर आर सेवरल सोल्यूशंस और उसमें से बहुत ज्यादा सोल्यूशंस होते हैं, उसमें से कुछ जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइक क्रिया योगा, कुंडलिनी योगा हो सकता है, फिर किसी न किसी तरह से कोई गुरु के पास जाना और किसी तरह से उनके पास टीचिंग्स लेना, लर्निंग लेना, ये हो सकता है। और आई वुड लाइक टू से ये इंडिया का तरीका है और इंडिया ने यही चीज़ दुनिया को सिखाई है। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक्स हम सीखेंगे वो आएगी। आई वुड लाइक टू से कि इस चीज़ को पहला प्रेफरेंस दीजिए एंड आई वुड सजेस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा, कहाँ पर आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आपको यही चीज़ें, यही मार्ग फॉलो करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इनके बारे में जितना
ज्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। नाउ ही वॉज बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल इंसान ये रह चुके हैं हमारी धरती पर, और ये इन्होंने महात्मा गांधी को भी टीचिंग्स और लर्निंग्स दिए हैं। तो ये जो है इन्होंने क्रिया योगा के लेसन्स बनाए थे, और क्रिया योगा के जो लेसन्स इन्होंने बनाए थे वो बाबा महाअवतार बाबा जी जो है उनके गुरु के द्वारा इनको वो लर्निंग्स मिले थे। सो दैट इज़ वाई यू नो इनका जो स्पिरिचुअल लेवल है, इनकी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इतनी बेहतरीन बुक है। अगर आपको ये लेसन्स लेने से पहले वो बुक पढ़ना है देन आई वुड लाइक एंड दैट यू डेफिनेटली रीड दैट बुक। इट्स एन अमेजिंग बुक। यू नो US में भी इनका जो स्पिरिचुअल लेवल है उसको स्टडी किया गया था, और ही इज़ लाइक हाँ ही इज़ अ वेरी अप्रूव्ड सेंट। इनको अप्रूव किया गया है कि हाँ ये सच में बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल पर रह चुके हैं। तो येस, एंड उसके बाद है सम स्पिरिचुअल बुक्स प्रोवाइड पाथ्स। काफ़ी स्पिरिचुअल किताबें होंगी कि जो आपको मार्ग दिखाएंगी, और मेरी चैनल पर भी काफ़ी बार यू नो मैंने बुक्स रेकमेंड की है, भविष्य में भी रेकमेंड करूँगी, बट फॉर दिस पर्पस यू नो स्पेसिफिकली सोलफुल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ किताब को पकड़ कर ना चलिए। यू नो आई वुड सजेस्ट दैट, बिकॉज ऐसी कोई बुक मैंने यू नो आज तक नहीं पढ़ी है कि जो आपको 100% सेटिस्फैक्ट्री लगेगी। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा तरसते रह जाओगे वो बुक पढ़ने के बाद भी कि ओ या What next? और what next करते करते बुक भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके अंदर के जो सोल लेवल पर जो जवाब होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। मेडिटेशन या अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो चक्र ओपन करना आपके लिए एक गोल रखिए, और चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, फ्री में नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यों मैं फ्री में नहीं रखती हूँ। तो इसीलिए आई डोंट गिव थिंग्स फॉर फ्री, बिकॉज एक ऐसा टाइम था कि जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री में करती थी लोगों के लिए, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर फ्री चीज़ों के लोग वैल्यू नहीं करते हैं एंड उसे हमेशा अवॉइड करते हैं। जो चीज़ मैं आई थिंक $5 या $10 में दे रही थी एक बंदे को, तो वो बंदा बोलता है अरे यार इफेक्टिव नहीं है, और वही चीज़ उसने $250 में किसी के पास ख़रीदा, और वहाँ पर फिर वापस आकर मेरे पास आकर मुझे बोलता है मैडम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी जो प्राइस है वो इंसान के माइंड में नहीं बैठती है। इंसान को यू नो आप चाहे आपका फाइनेंशियल लेवल जो भी हो, अगर आप फाइनेंशियली यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, आपका माइंड जो आपको कहता है कि अगर कोई चीज़ महंगी है मतलब दैट इज़ गोइंग टू बी मोर वैल्यूएबल, तो वो चीज़ उसी की वजह से यू नो मैंने चीज़ों को फ्री में करना छोड़ दिया है। एफर्मेशंस के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरी चैनल पर, तो आपके लिए लिंक किया जाएगा। इसके लिए हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। गोल सेटिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और विजुअलाइजेशन इसके बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड। सो द नेक्स्ट थिंग गोज हैव टू प्रैक्टिस एनी ऑफ दीज। चलिए मान लेते हैं आपने इसमें से कुछ न कुछ चुन लिया, तो अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? बिकॉज मैंने तो सिखाया है राइट कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, हम ये टेक्निक के बारे में नहीं जान रहे हैं। एक्चुअल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है लाइफ में उसके बारे में बात करते हैं। You have to imbibe any of these practice. अब एक practice चुनिए और उसे अपनी life में दिन ब दिन level पर complete करना, उसे करना शुरू कीजिए। और वो होगा अगर आप housewife हैं, अगर आप job करते हैं, अगर आपका business है, तो आपको वो चीज़ें अपने काम करने के साथ साथ उसे include करना है अपनी life में। Practicing for a few times will not help. आपने पहले जितने भी practices के बारे में हमने discuss किया, क्रिस्टल को पहनना है या फिर हीलिंग है या फिर हिप्नोसिस है, ये है वो है, वो जो सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है, आपने उसे बस कुछ टाइम के लिए ट्राई किया, फिर आपने छोड़ दिया, आपने कहा वो चीज़ दैट डज नॉट वर्क फॉर मी, इट वर्क्स फॉर समबडी एल्स, मे बी ऐसा कहकर आपने निराश होकर वो करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। डू इट थ्रू आउट द डे अलॉन्ग विथ ऑल द अदर वर्क, और एक दिन नहीं, एक दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है करते रहना है। एंड
दैट इज़ द रीज़न यू नो आई वुड सजेस्ट कि एफर्मेशन गोल चार्ट या वो सारी चीज़ों के पीछे आप काम करें, उससे बेहतर आई वुड लाइक टू सजेस्ट चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन और जो दूसरे पाथ्स मैंने डिस्कस किए उसके उसको लेकर आप प्रैक्टिस करें. बिकॉज यू नो कोई ठोस चीज़ आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए कि जिसके लिए आई वुड लाइक टू से कि हाँ आँख बंद करके वो सारी चीज़ें करना शुरू करो, कभी ना कभी लाइफ में प्रोग्रेस होगा. सो दोज आर ऑल द थिंग्स आई कैन एक्चुअली से हाँ वो सारी चीज़ें काम करती है. सो इफ यू कैन थिंक नेगेटिवली अलॉन्ग विथ योर वर्क, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो काम करते करते भी आप नेगेटिवली सोच सकते हैं, काम करते करते भी आप निराश हो सकते हैं. तो काम करते करते आप वो प्रैक्टिसेस क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको आपको सिखाई है, राइट? सो देन यू कैन डेफिनेटली इंस्टिल पॉजिटिव थॉट्स एंड हैबिट्स. तो आप डेफिनेटली अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हैं जो आपको बोला गया है स्पिरिचुअली करने के लिए, वो आप कर सकते हैं, राइट? सो यस, एंड बैलेंस्ड डाइट. अब या दिस इज ऑफ ट्रैक, बैलेंस्ड डाइट के बारे में मुझे क्यों बात करना है, बिकॉज ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डीप में जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं, वो डाइट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं. आई हैव सीन दिस, राइट? इतना ज़्यादा मैंने इसको नोटिस किया है कि एक बंदा कहीं ना कहीं किसी इंसान ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और बस कुछ चीज़ें दिन में खाते थे. डोंट डिवॉइड योर सेल्फ ऑफ न्यूट्रिशन. अब जब बहुत स्पिरिचुअली हाई लोग जो होते हैं वो ये सुनते हैं कि कुछ खाने पे ध्यान दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट खाइए, तो वो अंदर ही अंदर हंसते हैं, मनी मन हंसते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये दूसरे लोगों के लिए है कि जो स्पिरिचुअल नहीं है. क्यों वो ऐसा सोचते हैं? बिकॉज इनको लगता है कि हमारा जो स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द फूड फॉर योर बॉडी. आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, माइंड की रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, सोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए. तीनों की तीनों जब एक बराबर आप पूरी करेंगे, जितनी पूरी करनी है उतने लेवल तक पूरी करेंगे, तब जाकर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. सो इफ डेली नीड्स ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आर फुलफिल्ड, देन देर माइट बी लेसर मेंटल एंड इमोशनल अपडाउंस. सो अगर किसी की लाइफ में बहुत बड़े बड़े अपडाउंस आते हैं मेंटल एंड इमोशनल, तो पहले तो आप देखिए कि आपका जो न्यूट्रिशनल डाइट है, एक चेकअप आप करवा सकते हैं कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से फिर आप ज़्यादा खाना ले सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. तो मेरा एक बैलेंस्ड डाइट का एक सेगमेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है खबरी की ऐप पर. अब ये एक ऐप है कि जिसके ऊपर आप सुनकर अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आप नॉलेज बहुत अच्छा अच्छा दिया जाता है वो आप सुनकर पा सकते हैं. तो वो मेरी चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है. आई वुड नॉट डिस्कस इट हियर बिकॉज मुझे पता है बहुत ज़्यादा फिर डिस्कशन हो जाएगा और ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा. हमें यहाँ बैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, दो इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि आपका डाइट बैलेंस्ड है, उसी के बाद हम ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट? सो यू विल रिक्वायर, इवन इफ़ यू हैव ट्रांसेंडेड, आपने ट्रांसेंड कर लिया है, आपने अपना स्पिरिचुअल जो लेवल है वो अगर आपने बढ़ा दिया है, फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी महसूस होती है, तो आपको डाइट के ऊपर जानने की ज़रूरत है. और ट्रांसेंड कर चुके हैं उसके बाद भी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, राइट? वो लाइफ टाइम तक रखना है वो चीज़, बिकॉज इंसान के शरीर को जो डाइट में रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ज़िंदगी भर होने वाली है. अब कई स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि इंसान के अंदर ही मेडिटेशन के द्वारा ही कुछ ऐसी एनर्जीज वो जनरेट कर सकता है कि जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे. भाई ऐसा ऐसा हमारे जो शास्त्र है उसमें कहीं ना कहीं बताया गया है, सीता जी के बारे में बताया गया है कि वो जब लंका में थी तो उन्हें पसंद नहीं था कि वो रावण के घर का कुछ भी खाए, रावण का रावण के हाथ का कुछ भी वो खाए, इसीलिए उन्होंने खाना खाने से और पानी पीने से वचन ले लिया था. लेकिन वहाँ पर वो अपने आप में बहुत हाईली स्पिरिचुअल थे, तो उनके अंदर वो जो स्पिरिचुअली एक इंसान के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक जिसमें से एक ऐसा तत्व झरता है कि अगर इंसान उसे लेता है तो वो खाना नहीं खाएगा तो भी चलेगा, पानी नहीं पिएगा तो भी चलेगा. लेकिन वो कैसे करना, उस लेवल तक कैसे जाना कि आप वहाँ का तत्व ले सकते हैं अपने शरीर में,
वो भाई दिल्ली दूर है, बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको उस चीज़ को यूज़ करने का, उस ग्लैंड को यूज़ करने का आपको नॉलेज आएगा। सो ज़्यादा यू नो आप ज़्यादा अपने आप को चैलेंज ना कीजिए और लाइफ को ईजी बनाइए बैलेंस्ड डाइट लेकर। यू विल रिक्वायर टू ईट हेल्दीली टू फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस। सम पीपल आर मिस्टेकन दैट मेडिटेशन एंड हाई मेडिटेटिव स्टेट्स विल फुलफिल देयर बॉडीली फंक्शंस। बॉडी के फंक्शंस के लिए यू नो कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ मात्रा में पानी लेना ज़रूरी है, तब जाकर आपकी बॉडी हेल्दीली फंक्शन करती है। यू नो मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि एक बंदा पिछले 20 सालों से, आई डोंट नो कितने सालों से, 15 या 18 सालों से कुछ भी नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, और फिर भी वो बंदा जिंदा है। आप कहेंगे हाँ भाई उन्होंने कहा बैलेंस्ड डाइट लिया, वो तो अभी भी जिंदा है। भैया वो दिन के 20 घंटे मेडिटेशन करते हैं, जब जाकर उनको वो सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सो यस, डोंट थिंक टू मच, यू नो उतना ज़्यादा कहीं पे नॉलेज लिए बिना अपने आप को चीज़ों के लिए चैलेंज ना करते रहें। ओपनिंग ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सो एक यू नो यूनिवर्सली नोन फिनोमिनन है कि जो है कुंडलिनी अवेकनिंग। अब ये जो प्रोसेस है वो जैसे ही आप अपने चक्र को बैलेंस करेंगे ये धीरे धीरे अवेकन होना शुरू हो जाएगी, एंड ओपनिंग ऑल चक्रास बाय योर कुंडलिनी एनर्जी विल हेल्प यू टू ओवरकम कार्मिक ब्लॉकेजेस। कर्म के द्वारा जो भी ब्लॉकेजेस आपने बनाए हैं, जो और कोई आपके लिए निकाल नहीं सकता है, वो आप कर पाएंगे जब आप अपने चक्र के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर ब्लॉकेजेस, दूसरे किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वो सारे ब्लॉकेजेस निकलना शुरू हो जाएंगे ये चीज़ करने के साथ साथ। Nobody can remove your karmas. You will remove karmic blockages by paying them. अब यहाँ पर कर्म इरेज नहीं हो रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिए, कर्म वाइप आउट नहीं हो रहे हैं, आप उन्हें चुका चुका कर आपकी स्पीड, चुकाने की स्पीड बढ़ जाएगी। कुंडलिनी प्रोसेस विल स्पीड अप योर कार्मिक पे ऑफ टाइम, मतलब ये जो प्रोसेस है, अब ज़्यादातर इंसान के साथ क्या होता है कि अगर 100% सपोज इतने से बैड कर्मा है उसको चुकाने हैं, तो वो 4 या 5 जन्म में वो सारे खराब कर्म चुकाएगा, बिकॉज सारे के सारे खराब कर्म एक ही जन्म में वो चुकाने के लिए सिलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है। लेकिन जब आप ये प्रोसेस करते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस, तब ये जो सारे कर्म जो आपके हैं, आप चूज़ करते हैं कि आप वो सारे के कर्म 100 वो सारे के सारे कर्म उसी जन्म में आप उसे क्लियर ऑफ करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी एक्सपीरियंस हो सकती है, जिसकी वजह से लाइफ एक रोलर कोस्टर के माफक आपको लग सकती है। बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं, बट या देयर इज़ नो यू नो उसका कोई हल नहीं है, आप चुका चुका कर ही उसे कंप्लीट कर पाएंगे, और आपका जो गोल है या थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक चक्र को क्लियर करके दूसरे चक्र तक जाने के लिए, लेकिन यस वो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल है। और ये जो प्रोसेस है, एक के बाद एक आपके सारे चक्र ओपन हो जाए नीचे से लेकर ऊपर, तब जाकर यू नो आपको जो दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो आपके लाइफ में पॉजिटिवली आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। चक्र ओपनिंग कैन एक्चुअली बैलेंस अदर चक्रास और विच माइट मेक यू फील दैट यू हैव ओपन्ड ऑल द चक्रास। अब ये चीज़ ज़्यादा लोगों में होती है कि लोगों को लगता है कि हाँ अगर मेरे सारे चक्र, अगर एक भी चक्र ओपन होता है तो उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट आप महसूस करेंगे, ये जिसके वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ सारे चक्र खुल गए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में कंप्लेंस हैं, उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं कि जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपका कोई चक्र आपने ओपन नहीं किया है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ओपनिंग योर चक्रास देन यू कैन गो अहेड विद चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डाल दी गई है एंड इट्स गिवन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। फिर वंस अगेन इट इज़ योर चॉइस, मैं यहाँ पर कोई मार्केटिंग करने के लिए बैठी नहीं हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए बताया है, बिकॉज वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, मेरी चैनल के ऊपर बता कर भी रखा है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ अलग वीडियोस के कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि अरे मैडम चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर कुछ बनाइए ये वो, सो जस्ट टेलिंग यू गाइज। एंड उसके बाद है वार्निंग,
वार्निंग तो ज़रूरी है, राइट? तो ये चीज़ जिसकी हमने बात की, व्हेन यू ट्राई टू ओपन योर चक्रास बाय योर कुंडलिनी एनर्जी टू रिमूव योर ब्लॉकेजेस परमानेंटली, तो आपको वो सारे जो नेगेटिव कर्मा है उसको इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बढ़ सकते हैं, और इट कैन बी अ फ्यू मंथ्स टू ईयर्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज इन द चक्र। चक्र में जिस तरह का ब्लॉकेज है उस उतना टाइम ले हो सकता है आपको एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाने के लिए। और या चक्र एंड लाइफ का एक कोर्स है मेरा, उसके बारे में आप चक्र में डीप में जान पाएंगे, लाइफ के साथ आपके चक्रास कैसे कनेक्टेड है वो, और चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन उसके साथ फ्री में मिलता है कोर्स के साथ। और या हाउ मच डू रिचुअल्स क्रिस्टल्स एंड अदर मेथड्स इफेक्ट, तो अब आप पूछेंगे कि अरे हाँ वो सारी चीज़ें अगर इफेक्ट नहीं करती है तो कितना परसेंटेज वो इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें 100% इफेक्टिव है, बट टू ब्रिंग अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से कोई भी चीज़ का यूज़ करके अगर आपको कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपनी लाइफ में, तो आपको अंदर से बाहर जो बैरियर्स है उसे तोड़ने पड़ेंगे, एंड दिस विल अनलॉक द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल द अदर मेथड्स यू आर यूजिंग, एंड वंस ऑल द अदर इनर बैरियर्स आर ब्रोकन, जो अगली मेथड्स हमने डिस्कस की इस वीडियो में, शुरुआत में हमने जो सारी मेथड्स डिस्कस की वो 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। आप कहेंगे अरे वाह, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये कैसा मैजिक, या दैट इज़ देयर। एंड उसके बाद हाउ टू ब्रेक इनर बैरियर्स, अब इनर बैरियर्स इसके बारे में हमने आपसे बात ऑलरेडी की है इस वीडियो में पहले, उसके लिए आपको एसेंड होना पड़ेगा, आप जिस लेवल पर हैं वहाँ से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। व्हेन यू हैव सिलेक्टेड एनी मेथड ऑफ एसेंशन, जो हमने आगे बात की मेथड्स ऑफ एसेंशन, यू विल बी प्रॉम्प्टेड बाय योर बैरियर्स। अब जैसे ही आप एक पाथ चुन लेते हैं कि हाँ चलो मेरे सोल स्पिरिचुअली मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे ये चीज़ करनी है, वैसे ही यूनिवर्स आपकी तरफ आपके जो बैरियर्स हैं, आपके अंदर के जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे और वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि विजुलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद आ जाती है, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव तभी सोचने लगता है, पूरे दिन भर में उतने ख्याल नहीं आते कि जब मेडिटेशन में आते हैं, सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग। वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, और दे विल टेस्ट यू फॉर योर इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है वो आपकी अंदर से आप कितने स्ट्रांग हैं उसके लिए वो टेस्ट करेंगे कि आप कितने हद तक वो ब्लॉकेजेस को सहन कर सकते हैं। कुछ बार आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होगा कि आप वो ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर पाएंगे, आप वो ब्लॉकेजेस को होने के बावजूद आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, और कुछ टाइम ऐसा होगा कि जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं भी होंगे, जो भी केस है यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग इट, आपको फिर भी अपने एसेंशन के पाथ पर चलते रहना है। यू नो, ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपने एक बार या दो बार तुक्का लगाया, चला तो कोई दूसरी मेथड करो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। एसेंशन का पाथ जो होता है आपके लिए जो है वो वही का वही रहेगा, एंड उसके बाद मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वीडियो में आपने जो समझा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस इज समथिंग, मोमेंट्स ऑफ प्रेसिपाइस आर द टाइम्स व्हेन योर ब्लॉकेजेस, योर वीकनेसेस, आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेंगी आपकी लाइफ में। आपके हो सकता है आपके अंदर के जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष वाइज आपके अंदर के जो दोष है, आपके अंदर की जो खामियां हैं, आपके अंदर की जो बुराई है, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड द मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस। और वो मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस क्यों कहा गया है, यूजुअली इंसान ऐसी मोमेंट में ज़्यादातर गिव अप कर देता है, या फिर टूट जाता है, या फिर निराश हो जाता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, अच्छा चलो यही इस दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी, बट दैट इज़ नॉट द केस। आपके लिए वो एक घड़ी है कि जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको नेगेटिवली ही लाइफ में जीना है या फिर लाइफ में पॉजिटिविटी चुनना है, तो भले आपके हर तरफ नेगेटिविटी हो रही है, यू हैव टू चूज पॉजिटिविटी। वो है मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कि आप जितना भी कोशिश करेंगे, अगर आप गिव अप कर देते हैं फिर भी मोमेंट ऑफ प्रेसिपाइस आती रहेगी आपकी लाइफ में, इतने हद तक कि आपको फिर बिना ना छुटके, यू नो, आपके पास और कोई सल्यूशन नहीं होगा
कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी ही चुनना पसंद करेंगे। हो सकता है आप हजार बार गिव अप कर दें, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती रहे, बहुत हाई लेवल तक आती रहे, आपने गिव अप कर दिया, फिर भी लाइफ ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लाइफ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और दैट इज़ जस्ट द यू नो, वो एक सबक है जो ज़िंदगी आपको देना चाहती है, यूनिवर्स है वो आपको देना चाहता है कि जो भी हो जाए लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव पाथ सिलेक्ट करना है। और दूसरे केसेस भी होते हैं, वो इसके बाद की स्लाइड में आपको पता चलेगा। एंड योर हिंड्रेंसेज विल बी कमिंग बैक एंड यू विल हैव टू कीप असेंडिंग। तो जितने ज़्यादा मोमेंट्स ऑफ प्रेसिपाइस आप जीतते हैं, उतने ज़्यादा आप एसेंड होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद आपको ये जो मोमेंट्स ऑफ प्रेसिपाइस है वो मिलना बंद हो जाएगा। वो कब होगा? जब आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर देंगे। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स वोंट बी प्रॉब्लम्स, वो एक स्टेपिंग स्टोन्स के माफक होंगे। दुनिया के लिए वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो सक्सेस के लिए एक और सीढ़ी बन जाएंगे। सो वॉट इज द मेथड ऑफ एसेंशन दैट वी हैव डिस्कस्ड? आप शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपके माइंड में आएगा अरे भाई वो क्या था जो हमने डिस्कस किया। वेल, जो आगे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी स्लाइड्स में, वो हो सकता है आपकी मेथड ऑफ एसेंशन। अगर वो नहीं है तो हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे भविष्य में, लेकिन भविष्य में कितने टाइम के बाद वो मुझे नहीं पता। और इसीलिए अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, ये जो सारी मेथड्स मैंने डिस्कस की है उसके अलावा आपको कुछ फॉलो करना है, तो आप यू आर फ्री टू डू इट। आप जस्ट सर्च कीजिए, बाहर सर्च करते रहिए कि वो पाथ कौन सा है आपके लिए, राइट? सो येस, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू, एंड आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद रूप हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हाँ ये नॉलेज यूजफुल है, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर दीजिए आपके इस वीडियो के बारे में, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा समझना चाहते हैं, कुछ ऐसा है कि जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है, जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इतना इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से पास हो रहा है, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन। आपको क्या पता, आपका ये छोटा सा एक कुछ सेकेंड लगते हैं वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन उस कुछ छोटा सा शेयरिंग का जो मोमेंट है वो उस इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग बन जाएगी, राइट? सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। बाय।